अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी साइरा अली और मेरे साथ दे रहे हैं अली तैमूर। कैसे हैं अली आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और हमारी देखने वाली आवाम कैसी है? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। और क्या ला रहे हैं आज हम? जो हमारे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं जो बताते हैं ना, उन्हीं की फरमाइश पे आ रहे हैं आज हम। ठीक है ठीक है। हमें 3-4 मैसेजेस किसी एक ही बंदे ने किए हुए थे कि जी कोक स्टूडियो जो बांग्लादेश में बंगला में हो रहा है उसका एक गाना ताती उसके ऊपर रिएक्शन दें। तो हमने कहा चलें जी वो भी ले आते हैं, तो वो लेकर आए आज आपके लिए। तो लैंग्वेज के तो हमें जरा बैरियर रहेगा, लेकिन लेट्स सी कि हमें कैसी फील उसकी आती है, ट्रांसलेट होता म्यूजिकली या नहीं। ठीक है। स्टूडियो बांग्ला सीजन 3। देखो ना उन कपड़ों का वो बनने का जो प्रोसेस है वो बीच में वो किया हुआ है म्यूजिकली। हाँ म्यूजिक में भी ऐड किया हुआ था जैसे उसका पोर्शन में। पीछे भी कपड़े पड़े हैं मैंने। I'm not afraid of the dark.
नाइस, वर्डिंग तो इतनी नहीं समझ आई मुझे, कैप्शन से कैप्शंस के मुताबिक भी जितनी समझ आई उसमें ये था कि वो कपड़ा जो बन रहा था उससे रेलेवेंट ही नहीं, कपड़े के उसके साथ के वो जैसे वो धागे मिक्स होते हैं वो चीजें होती हैं, तो कुछ मिक्सिंग या उस चीज के ऊपर ऐसे चीजें मिक्स हो के जिंदगी के रंग भी सामने आते हैं। बाकी बहुत अच्छा था जो इसकी थोड़ी सी बीट एफ्रो टाइप थी और बाकी जो चीजें थी क्योंकि वो अफ्रीकन आर्टिस्ट भी उन्होंने साथ बीच में ऐड किया हुआ था तो काफी वो था, इतनी कलरफुल था और थोड़ी सी जो इसकी वीडियो का जो स्टाइल था ना वो जैसे कोक स्टूडियो पाकिस्तान का जो था पिछला सीजन उसमें ईवा बी और कैफी खलील वाला जो ट्रैक था उसका जैसे था कि वन गो में जैसे वीडियो बनी होती है तो उस तरह का इन्होंने फील दिया हुआ था कि जैसे वन टेक के अंदर वो इधर से शुरू किया उधर से घूम कर उधर गए घूम के उधर से वापस आए उधर से घूम के फिर वापस आए इधर आए इस तरह से बनाया था, उसका स्टाइल जो था वो बिल्कुल वैसा वैसा लगा तो काफी अच्छा था, वो कलर्स बड़े अच्छे लग रहे थे, जाहिर कोक है तो वो फिर वाइब्रेंसी तो होगी ना, लाजमी है वाइब्रेंसी, तो अच्छा था ट्रैक, मुझे तो मजा आया सुन के, तो म्यूजिकली वर्डिंग का था, लिरिक्स का तो हम उतना नहीं ना कर सकते, लिरिक्स अगर समझ आ रहे होते तो शायद और ज्यादा वो होता, तो म्यूजिक से तो वो कनेक्ट कर रहा था कि हाँ वो चीज तो अच्छी थी, ग्रूव उसका अच्छा था, फील उसकी अच्छी आ रही थी। तो आप अगर कुछ बीच में ऐड करना चाहें? अच्छा चलें जी, इसके साथ ही हम आपसे लेना चाहेंगे, इसके साथ ही हमें दें इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखें और ये बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।